से ये है एक्स फैक्टर इंडिया का लाइव कॉन्सर्ट और ये है आपके होस्ट आदित्य नारायण to another exciting live concert of Onida LED TV presents X Factor India powered by Lava M30. कल हमारे जज गुरुज का रवैया परफॉर्मेंस के प्रति काफी कड़ा था क्यों ना हो अब कंपटीशन उस लेवल पर पहुंच गया है कि छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है इसलिए सभी जज गुरुज ने अपनी कमर कस ली है और इस बार जबरदस्त तैयारी से मैदान में उतरे हैं चलिए देखते हैं आ रहा है लेकिन हरकतें मोटी आ रही है जा तो रुकेंगे जाए ने आवाज थोड़ा सा चुराइएगा नहीं कहीं पे भी नीचे के नोट्स हमेशा लैंडिंग का लास्ट वर्ड सुनाई देना चाहिए यू आर एक्चुअली emoting all the beauty of that song very well perform just like this on that day bari ke the nuances hai wo bahar bahar hi aana chahiye wahan pe jo aana chahiye extra aapka aur so bhai sara hai to ko to itna phool ke mat gao bhai itni jagah mein milne na kya kahe short kya kahega don't forget this one short to aaj apne judge gurus ki aashaon aur khud ke sapno ko dil mein bandh ke हमारे सारे परफॉर्मर्स पूरे पैशन के साथ परफॉर्म करने वाले हैं क्योंकि आज एक्स फैक्टर पर होगा बोलबाला हिंदी फिल्म जगत के सदाबहार रोमांटिक नंबर्स का और अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे जज गुरुज का जज गुरु संजय सर मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने इतनी खूबसूरत इटर्नल फिल्में बनाई हैं देवदास हम दिल दे चुके सनम एक कलाकार की जिंदगी में रोमांस का क्या महत्व होता है प्यार नहीं तो कुछ नहीं होता है और प्यार होता है तो फिर जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है और प्यार में कभी कभी दिल भी टूटता है तो हम टूटे दिल वालों को ये सवाल ना ही पूछो इस वक्त तो बेटर है सर आपका फेवरेट लव सॉन्ग कौन सा है मेरा फेवरेट लव सॉन्ग है हम दिल दे चुके सनम तो इसी बात पर आज का सफर शुरू करते हैं जज गुरु सोनू आपकी टीम से सबसे पहले कौन आ रहा है मेरी टीम से सबसे पहले आ रही हैं वो लड़की जो बहुत अच्छा गाती है अभी तक स्टेज फ्राइट से कभी कभी गुजर रही है लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्स फैक्टर के मंच का उसे आशीर्वाद मिलेगा सहिती जी Oh
बहुत अच्छी शुरुआत की आज शो की तुमने. बहुत ही पसंदीदा गाना है मेरा और आपका. जो वो पूरा हेस्टैक से उठकर यहाँ तक आते हुए एक सिनेमैटिक मोमेंट सा तैयार हुआ. इट वाज सो ब्यूटीफुली संग. सुपर्ब. वेरी वेरी नाइस. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. सही थी. पहली बार वो कॉन्फिडेंस दिखा आप में. आपने इनेक्ट किया, आपने वो गाना महसूस किया, आपने हर वर्ड को समझा, आपने आपने इतनी मुश्किल जगहों को आसानी से गाया आपने. इट इज वन ऑफ योर बेस्ट. रियली रियली फैबुलस. आपके लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ क्योंकि आप इतनी अच्छी गुणी फनकारा हैं, आप में इतना अच्छा फन है, लेकिन आप उस फन से ऐसे डरती हैं जैसे किसी सांप के फन से डर रही हैं. आप ठीक से गाना गा दिया, मेरी जान में जान आई. सहिति जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सिंगिंग सो वेल. वेरी गुड. शाबाश. सहिति को वोट करने के लिए टाइप कीजिए XF space 08 और SMS कर दीजिए 5252525 पर. शुक्रिया सहिति. जज गुरु संजय, आप किस दिल वाले को सबसे पहले भेज रहे हैं अपनी टीम से? आदित्य, प्यार की बात होती है तो छेड़छाड़ तो होनी है, तो निर्मिती इन छोड़ दो आंचल. एक्सपेक्टर इज नॉट जस्ट अबाउट कि गाने में आप बहुत कलाकारी दिखा रहे हो, हम बोलेंगे वाह वाह अच्छा किया. आपने अभी तक हमेशा ही अच्छा परफॉर्म किया है, क्रिएटिव रहे हैं. आज की परफॉर्मेंस सुपर डुपर फैंटास्टिक. थैंक यू सर. बहुत दिनों बाद वापस आए हो और
आपने बीच में गाया, बहुत प्यारा गाया रंजना, बहुत अच्छा गाया, इतना जो वहां से चल के गई और एकदम सुर में भीग कर और अच्छी अदाई के साथ में, और सब लोगों ने जो फॉलो अप किया, सुपर्ब, वेरी वेरी गुड, मजा आ गया। गाइस, मैं डरी हुई थी कि इनका जो बहाव चल रहा था बात का कि कहाँ है, एंड नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि तीनों का सुपर डुपर मतलब रिमार्क्स हो। आई वाज फीलिंग लाइक दैट एंड आई विल गिव यू अ स्टैंडिंग ओवेशन टुडे नाउ। निर्मिति इज बैक, सुपर्ब गाइस, यार रियली, मतलब कल तक जो डर लग रहा था वो आज तुम लोगों ने आके बिल्कुल सिक्सर स्ट्रेट, है ना? So I'll also give you all a standing ovation. Thank you, sir. Superb performance, Nirmiti Group. क्या बात है? Well done, good job, good job. आप लोगों के बारे में बताया, बहुत शैतान लोगों। इनके बारे में कुछ बताओ ना हमको, इनको कौन पसंद है? कोई लड़का लड़का है कि? Actually बहुत अच्छा मौका है अभी बताने के लिए। Ranjana is in love. Hey! Ranjana बताओ ना। Shanu. शाहिद कपूर। अच्छा तो एक काम करो, आप लोग जाके उनकी आंखें बंद करो, मेरे पास इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। जा जाओ 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 जाओ, और उस तरफ मुड़ना, उस तरफ मुड़ना। ओह माय गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, गूज़बम्प्स, ओह माय गॉड, गूज़बम्प्स। सॉरी रंजना, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, बट चलिए शायद नहीं, शायद की तस्वीर ही आपके लिए बिना आंखों वाली। मेरी आंखें हैं ना। निर्मिती को वोट करने के लिए टाइप कीजिए XF स्पेस 11 और SMS कर दीजिए 5252525 पर। शुक्रिया निर्मिती जी। जज गुरु श्रेया, अब आपकी टीम से हम सबके दिल को लुभाने कौन आ रहा है? आज थीम रखा है रोमांस का, तो मेरे टीम का रोमांटिक हीरो आ जाए, अमित जाधव। हो मेरी सोनी, मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से गलती, जाने दो यार। I love you, I love you। हो मेरी सोनी, मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से गलती, जाने दो यार। I love you, I love you। आके मेरी आंखों में तुम देखो, इनमें हर एक अदा तुम्हारी है, ये दिल है मेरा लेकिन धड़कन में सदा तुम्हारी है, तुमसे है चैन मेरा, तुमसे है जाने तो यार। You know that I love you, yes I do। अमित जाधव, कॉन्फिडेंस था ऑडियंस के साथ और हमारे साथ कनेक्ट किया,
आपने गाने पे ध्यान दिया, आपने परफॉर्म भी किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब खुश हुआ मैं तुमको देखकर। थैंक यू सर। अमित जाधव जी, आपने पिछले परफॉर्मेंस से तो बहुत अच्छा गाया है, ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा है। गायकी में अभी बहुत परिपक्वता लानी जरूरी है, परफेक्शन लानी जरूरी है, विब्राटोज को ठीक से करना जरूरी है। फिर भी मैं इससे संतुष्ट हूँ कि आपने पिछले परफॉर्मेंस से एक बहुत बड़ा लीप लिया है ऊपर जाने का, पर ये इसी को बहुत अच्छा मत समझना, इससे बहुत ऊपर जाना है हमें, बहुत ऊपर। थैंक यू सर। एज अ मेंटर मुझ में आज ना मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा धीरे धीरे हिल रहा था कि क्या हो रहा है, ये मेरे टीम वाले जितने हैं सब जब आते हैं आधे डरे हुए आते हैं स्टेज पर, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, पर आज तुमने ये परफॉर्मेंस देख के मुझे मेरा कॉन्फिडेंस वापस दिला दिया, सो थैंक यू, गुड जॉब। थैंक यू, वेल डन अमित। अमित, कल जज गुरु श्रेया ने आपको बताया कि आपके कंधों पर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अभी, और छोटी से छोटी गलतियां भी अभी नजरअंदाज नहीं की जाएगी, कॉम्पिटिशन इस मोड पर पहुंच गया है, आप कैसे इसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले मैं तीनों जजेस को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने भरोसा रखा हम पे। अगर मुझे इस वीक में मुझे चांस मिला तो नेक्स्ट वीक से मैं धमाका करूंगा, दैट्स प्रॉमिस। अमित को वोट करने के लिए टाइप कीजिए XF space 06 और SMS कर दीजिए 5252525 पर। शुक्रिया अमित। जज गुरु संजय, आपके अगले दिलदार परफॉर्मेंस कौन है? आदित्य, प्यार दीवाना होता है और अपने दिल की बात लेकर आ रहे दीवाना ग्रुप। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। घटा झुकती है जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, ओ दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ झूली ना कुछ मेरे बस में, दिल क्या करे जो किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए। थैंक यू दीवाना ग्रुप। ये गाना एक तो मुझे लगा कि आप लोगों ने स्केल बहुत लो लिया है इस गाने का, सब दमदार सिंगर हो, एनर्जी भरी पड़ी अंदर सबके, पर समहाउ ये परफॉर्मेंस आज आपका पहली बार मुझे नहीं जमा।
कहीं थोड़ा सा केयरफ्रीनेस आ गया है. आज भी मुखड़ा बहुत didn't work for me. I think वो ये गाना was not right for आपकी आवाजों के लिए करेक्ट नहीं था. दिल क्या करे भाई, है ना? आप लोगों ने एक अपनी स्टाइल से हटके गाना उठाया, वो अच्छा हुआ. आपने कुछ अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया. खाली ऊपर के नोट्स पे ही गाना आप लोगों के लिए नहीं, आपको हर किस्म का गाना गाना चाहिए, ये भी अच्छा किया आप लोगों ने. लेकिन जो कुछ दो तीन बातें हैं, जो दो तीन बातें की थोड़ा सा कहीं केयरफ्री हो रहा है, कहीं लगता है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं इसलिए हमको अभी फिक्र नहीं है, वो नहीं होना चाहिए. क्योंकि आप लोग बहुत शानदार सिंगर्स हो, मेरे कैटेगरी की आप लोग जान हो, और वो बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए. आज का परफॉर्मेंस मुझे इतना बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा परफॉर्मेंस. पर हो सकता है कि आप लोग थोड़ा बेटर कर सकते हो. बी केयरफुल. थैंक यू सर. थैंक यू. वेल डन देवाना ग्रुप, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. शाहनवाज, आज हमारे एक्स फैक्टर के मंच पर रोमांस हो रहा है और आप जो हैं कुछ ही दिनों में पिता बनने वाले हैं, सही बात है ना? तो आज के स्पेशल दिन पर आप अपनी वाइफ को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? चार लाइन सुना सकता हूँ? बिल्कुल. मेरी दुनिया तुझ में कहीं, तेरे बिन में क्या कुछ ही नहीं. ओ मेरी जान में तेरी जान है, ओ साथी मेरे दुनिया तुझ में कहीं. बिट्टो तुम खुश रहो हमेशा. आई लव यू. दीवाना ग्रुप को वोट करने के लिए टाइप कीजिए XF01 और SMS कर दीजिए 5252525 पर. थैंक यू. जज गुरु श्रेया, आपकी टीम से कौन आ रहा है? मेरी टीम का जो अगला आ रहा है वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही वो बहुत नटखट भी है. सो वेलकम माय नेक्स्ट आशिक गीत सागर. अरे हे ला 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 ला. सामने वाली खिड़की में रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. अफसोस यह है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए. दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए. बस आठ पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. गीत सागर जी, सर सुपर एक्टिंग, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. आप आए बड़े कॉन्फिडेंटली और आपने पूरी अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ में आपने एक्टिंग क्या हुआ, लग रहा है कि टाइम पॉइंट पे आना ना? क्या सोच रहे हो, पॉइंट पर आ? ट्रैक छूट गया सर, वही पहली गलती तो वही होगी. वो तो छूटा, लेकिन साथ में जितना आप हाँफ रहे थे उतना अपनी एक्टिविटी कर रहे थे जितना आप हाँफ रहे थे.
नर्वस थे आप? सर वो ट्रैक छूटने के बाद इट वेंट हेवर। अगर मैं कहूंगा कि गाना अच्छा है तो आप खुद नहीं मानेंगे उससे शायद, तो गाने का इतना मजा नहीं आया। थैंक यू सर। इस वक्त जब जहाँ जिस राउंड पे हम पहुंचे हैं, जिस वक्त पे हम पहुंचे हैं, वहां पे ऐसी गलतियां तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो सिर्फ परफॉर्म करोगे तो वो गाना भी उतना ही पकड़ के चलना है और परफॉर्मेंस भी चाहिए। सो दोनों चीज का मिलन थोड़ा चूक गया। I don't understand क्यों इतने नेगेटिव कमेंट्स मिले, पर मुझे बहुत अच्छी लगी आज आपकी आवाज़ का एक अलग ऑरा था। आपने जिस मस्ती में यू नो पूरे इनैक्ट करके गाने को एक फील के साथ, मस्ती के साथ जो चाहिए था गाने से, वो तो आपने किया, वो चूका। यस, और दूसरी बार भी चूका। अंतरे के बाद का मेरे सामने वाली खिड़की भी एकदम परफेक्ट नहीं है। वैसे तो कितने लोगों का हुआ। नहीं पर मैं तो, लेकिन फिर आप भी तो, अगर दीवाना कुछ गलती करता है या कुछ, तो आप भी तो स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। यू कांट बी प्लेइंग टीम्स ओवर हियर। नो नो, आई एम नॉट प्लेइंग टीम्स हियर। गलतियां हो रही है सबसे, पर मुझे इस गाने का इफेक्ट अच्छा लगा। आई डोंट नो, मे बी इसलिए आप दोनों के ओपिनियंस अलग हैं, इसलिए मेरे अलग हैं। मुझे इस गाने का इफेक्ट जो है, गाने का एक असर है, वो लगा। इट वॉज गुड फॉर मी, सो आई लाइक्ड इट। गीत, अगली बार और अच्छा परफॉर्मेंस होगा। आज रोमांस का माहौल है, रोमांटिक बातें हो रही हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जिंदगी में रोमांस तो हुआ होगा, है ना? बस आप सीरियस हो गए, कुछ धोखा वोखा हुआ क्या रोमांस में? अच्छा, अपनी जिंदगी का सबसे रोमांटिक पल बताइए। कल जब यही गाना मैं रिहर्स कर रहा था, मुझे लगता है कि वो सबसे रोमांटिक लम्हा था, क्योंकि परफेक्ट आ रहा था, एकदम टाइमिंग पे, एकदम सम पे, एवरीथिंग वाज फॉलिंग इन प्लेस। और आज वो नहीं है, तो आई डोंट नो, आई थिंक रोमांस इज समवॉट लाइक दिस। गीत सागर को वोट करने के लिए टाइप कीजिए XF space 09 और SMS कर दीजिए 5252525 पर। थैंक यू। हमारे परफॉर्मर्स दे रहे हैं एक के बाद एक धुआंधार परफॉर्मेंसेस, लेकिन उनकी आज और कल की परफॉर्मेंसेस के बल पर ओनिडा बेस्ट परफॉर्मर का खिताब तो सिर्फ एक को ही जाएगा, और उसे मिलेगा ओनिडा LED आई केयर टीवी, जिसमें है 99% यूवी प्रोटेक्शन और जो है 95% रिफ्लेक्शन फ्री। जज गुरु सोनू, इस माहौल को और मस्त बनाने के लिए आपकी टीम से कौन आ रहे हैं? मेरी टीम से कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा गाने वाली लड़की सीमा झा। जिया जाए ना,
Thank you. Seema, अब तो तुम आके जो गुलाब लेके जाते हो उसके बदले मैं आके तुमको एक माथे पे चूम के ही जाता हूँ भाई. वो ये गाने को ऐसे ही गाना चाहिए. God bless. मैंने जो बोलना था सीमा बोल दिया, बाकी ये लोग बोलेंगे. ये लड़की मुझे हमेशा उठ के खड़े होने पर मजबूर करती है. तुम्हारी में कुछ अलग ही बात है. कैसे वो जगह तुम समझ लेती हो इतनी छोटी उम्र में, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता. यू ब्लेस्ड बाय गॉड. ये भगवान का दिया है. एक तो ये गाना ही इतना डिवाइन है, इस गाने को इतना खूबसूरती से बनाया गया है, अरेंज किया गया है, और फिर देवी माँ ने ऐसे गाया है. इसमें एक बहाव है और वो बहाव में चलते हुए इसको करेक्टली सेल करते हैं, और आपने इसको इतना अच्छा निभाया है. जो जगह ली, जो एक्सप्रेशन, विब्राटो, सुर, आवाज का पंच, बड़प्पन, सब मिला के बहुत अच्छा है. दिस इज एक्स फैक्टर. वेल डन सीमा, गुड जॉब. ऐसी दिल जीतने वाली गायकी का मजा आप ले सकते हैं सिर्फ लावा के नए M30 म्यूजिक फोन पर, क्योंकि इसमें है SRS वाव HD. सीमा को वोट करने के लिए टाइप कीजिए XF Space 10 और SMS कर दीजिए 5252525 पर. सीमा, आज आपने इतना अच्छा गाया है कि संजय सर खुद चल के आपके पास आए. लेकिन हमारे बीच में जो है इस देश की बहुत ही रोमांटिक सिंगर बैठी हुई है, और सीमा कुछ जरा क्लासेस हो जाए ना उनसे, जरा सीखा जाए कि कैसे गाया जाता है रोमांटिक गाना, रोमांस कैसे किया जाता है आवाज में, है कि नहीं? मुझे आज इस मंच पे आपने खड़ा तो कर दिया है, पर गाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ, जो गाना मैं छेड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा बहुत पसंदीदा गाना है. और मुझे लगता है लता जी और मदन जी का जो कॉम्पोजिशन का और सिंगर का जो जोड़ी थी, वो जो अंदाज था, वो मुझे हमेशा से बहुत भाया है. उसने इंस्पायर किया है मुझे म्यूज़िक में. तो उन्हीं की एक जोड़ी का एक गाना मैं आपके सामने थोड़ा सा पेश करती हूँ. हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी गले के फिर से जन्म
precious rose of my life ever. थैंक यू जज गुरु श्रेया. अगर आप इतना खूबसूरत नहीं गाती तो जज गुरु संजय हमारे लिए ये दो लाइन भी कभी नहीं गाते और हम उनकी आवाज कभी नहीं सुन पाते. इन्होंने दो रोज दिए हैं, एक श्रेया को और एक हम सबको अपनी आवाज से. शुक्रिया सीमा. जज गुरु संजय, अब इस प्यार भरे सफर को आगे बढ़ाने आपकी टीम से कौन आ रहे हैं? आदित्य, तीन बहने हैं, एक खास प्यार का पैगाम लेके आए वो आज. प्रेजेंटिंग सजदा सिस्टर. सजदा, आप खुद बताइए आपको क्या लगा? नहीं अच्छा था. कुछ गाने होते हैं ना जो आपको खुद मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये गाना आपको सूट नहीं कर रहा. स्ट्रेनस सिंगिंग लगी, नॉट पूरा गाना खराब नहीं था, कुछ जगह बहुत अच्छी अच्छी भी आई हैं सबकी इंडिविजुअली, कुछ आपकी कुछ आपकी कुछ आपकी, पर सबकी कुछ कुछ हल्की भी आई हैं. सो आई वाज सो सो परफॉर्मेंस इतना ठीक ठाक नहीं था, मतलब ओके ओके था. आई विश कि आपने थोड़ी सी समझदारी से कुछ जगहों को सोलो ना करते हुए कंबाइंड ज़्यादा गाया होता तो खामियां कम दिखती. ग्रुप में डिविशन का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सो दिस वॉज नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस फॉर मी. सजदा सिस्टर्स, इतना बात होने के बाद भी आपने पहला सम खो दिया. वो खोया उसके बाद लय छूटती ही गई, वो ढूंढते रहे गाना, उसकी वजह से गाना बिखरता गया बिखरता गया बिखरता गया. कैसे आप इन चीज़ों को मिस कर सकते हो? ये तो मौका है, यहाँ पे परफॉर्म करना ही है. चाहे ट्रैक ना मिल रहा हो, चाहे ये ना मिल रहा हो, चाहे वो ना मिल रहा हो, लेकिन वो परफॉर्मेंस होना ही मांगता. सो प्लीज टेक केयर ऑफ द कोऑर्डिनेशन प्लीज. या सजदा सिस्टर्स को वोट करने के लिए टाइप कीजिए XF Space 07 और SMS कर दीजिए 5252525 पर. शुक्रिया सर. अब बारी है आज की आखिरी परफॉर्मेंस की. जज गुरु श्रेया, आपकी टीम से कौन आ रहा है? मेरी टीम से जो आ रहे हैं वो है 63 ईयर ओल्ड नौजवान करदार अंकल.
तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बतूं तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बतूं मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बतूं अकेले फिरा करो सबकी नजर से डरा करो यूं न अकेले फिरा करो सबकी नजर से डरा करो फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम चाल संभल कर चला करो जुल्फों को गिरा लो गालों पर मौसम की नजर ना लगे चश्मे बतूं तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बतूं मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बतूं करतार साहब जनाब क्या बात है मतलब अभी भी एकदम प्यार का नशा आपके अंदर एकदम पूरा है एकदम पूरी जवानी पूरी रवानी पे एकदम देखिए मिस्टेक्स आपकी कंसिस्टेंटली रहती है यहाँ वहाँ की जो है नोट्स नहीं कभी कभी हिलते कभी सांस का लेकिन एक्सप्रेशन इस गाने में इस गाने का रोमांस इस गाने का फील और आपने बहुत उसको दिल से गाया तो जो गलतियां हैं मैं उसको नजरअंदाज करके आपको कहूंगा कि मुझे आपका गाना आज की शाम का बहुत पसंद है थैंक यू सर शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सरदार जी बहुत एमेच्योर सिंगिंग हो गई अब बहुत एमेच्योर आई वुड से जिस लेवल पे पहुंचोगे एक्स फैक्टर अब मैं आई वुड अग्री टू एनी एमेच्योरिश सिंगिंग सो सॉरी सर मुझे नहीं मजा आया कोई बात आई अग्री कि इस वक्त जिस लेवल पे सिंगिंग हो रही है वहाँ पर कॉम्पिटिटिव होके गाना बहुत ज़रूरी है तो खामियाँ तो बहुत सारी थी पर उसके बावजूद आपने बड़े दिल से गाया लेकिन जब तक जगहें करेक्ट नहीं आएंगी तब तक गाना वहाँ तक पहुँचेगा नहीं जहाँ तक पहुँचना चाहिए तो अभी सफ़र मुश्किल हो रहा है और मुझे मालूम है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं और उसको एकदम लग के करेंगे है ना बिल्कुल करूँगा कर्तार सिंह जी नमस्ते नमस्ते आज जो है रोमांस स्पेशल है सब अपने अपने महबूब और अपनी महबूबा को याद कर रहे हैं आपकी एक धर्मपत्नी है मिसेस कर्तार सिंह कभी ना कभी आप भी पहली बार उनसे मिले होंगे और पक्का आपको याद होगी वो बात क्योंकि वो लड़कियां भूलने नहीं देती हैं आपको पता है 12 मई 1971 अरे 12 मई 1971 को क्या हुआ था सर जरा ये भी तो बताइए हमको वो बताने की चीज़ ही नहीं है कोई भी तो चीज़ नहीं बताते सिर्फ एहसास करो पूछो मत सर एहसास ही इतना खतरनाक है कि पूछने का दिल किया खैर करतार सिंह जी को वोट करने के लिए टाइप कीजिए XF space 12 और SMS कर दीजिए 5252525 पर शुक्रिया करतार सिंह और अब बारी है आज के बेस्ट परफॉर्मर का नाम घोषित करने की तो मैं अपने सभी 8 फाइनलिस्ट को यहाँ बुला लेता हूँ जोरदार तालियां हो जाए उनके तो जज ग्रुप्स कल और आज की परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर आपके हिसाब से कौन है इस हफ्ते का परफॉर्मर ऑफ द वीक मैं संजय जी श्रेया एक साथ कहना चाहेंगे सीमा झा कांग्रेचुलेशंस सीमा सीमा
कंग्रेचुलेशन सीमा, आपको ओनिडा की तरफ से मिलता है ओनिडा एलईडी आई केयर टीवी, जिसमें है 99% यूवी प्रोटेक्शन और जो है 95% रिफ्लेक्शन फ्री। थैंक यू। एक्स फैक्टर के इस सदाबहार रोमांटिक गीतों का स्पेशल एपिसोड अब यहाँ खत्म होता है, लेकिन हम आपसे अगले हफ्ते वही शुक्रवार शाम 8:30 बजे मिलेंगे और लाएंगे कुछ और अनूठे गाने। तब तक आप अपने फेवरेट सिंगर्स के लिए वोटों का रोमांस जारी रखिए। हमारी वोटिंग लाइंस मंगलवार सुबह 8:00 बजे तक खुली हैं। यह है ओनिडा एलईडी टीवी प्रेजेंट्स एक्स फैक्टर इंडिया पावर्ड बाय लावा M30। गुड नाइट।